नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज 18 में और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शाजापुर जिले के ग्राम पंचायत ईचीवाड़ा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय सरकारी स्कूल में स्वच्छता अभियान को झटका लग रहा है। शौचालय पुराना है जो जर्जर होकर टूट गया। नए शौचालय बनाने के पैसे 2 साल पहले ही निकाल कर हड़प कर गए। आप इस संबंध में संबंधित अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं। इसी कारणों से बच्चे या खुले में शौच करते हैं या अपने घर जाकर शौच करके आते हैं, जबकि सरकार जिले को नहीं देश को खुले में शौच मुक्त करना चाहती है। ये स्थिति तब है जब स्वच्छता अभियान को सबको शिक्षा के लिए सरकार और उसके अधिकारी लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं। ये सर 2011-12 से ही, क्योंकि उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया था, वो पर तोड़फोड़ भी हो चुकी है। हाँ, कुछ लोग क्या रास्तों से निकलते हैं, कुछ शराब पीकर भी निकलते हैं। उन्होंने गेट भी तोड़ दिया गया था 2-3 बार, हमने मतलब उसको लगवाया गया। उसके बाद में क्या है, उसमें पत्थर वगैरह मार देते हैं, तोड़ दिया है। छात्र किस तरह से यहाँ सोच करने जाते हो गए? एक सब छात्र तो फिर बाद उसी में जाते हैं, पर क्या है गेट नहीं है सर, इस कारण बच्चे मतलब कुछ बाहर भी चले जाते हैं। तो शौचालय का क्या है, एक्चुअल में ये 2010-11 में इसकी राशि डाली थी लगभग 56,000 रुपये, और मैं भी जनशिक्षक के पद पे दिसंबर 2016 में आया। तो इससे पूर्व जो वहाँ पर संस्था प्रधान थे श्री प्रेमनारायण चंद्रवंशी जी, उनने इसका निर्माण कार्य करवाया। तो उस समय उन्होंने अभी मेरी उनसे दूरभाष पर चर्चा हुई थी, तो चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि मैंने उस समय जो राशि आई थी उसका पूरा उपयोग कर दिया था, और मेरे हिसाब से शौचालय भी पूरी तरह से बना दिया था, और उसका इन्फेक्शन भी सुनील परमार इंजीनियर द्वारा कर दिया गया था। स्टेट न्यूज 18 के लिए गुलाना से पंकज राठौर।